6:30 बजता है तो प्रार्थना का मंदिर बंद होता है, इसके बाद 3 किलोमीटर दूर तक जाती है और इसमें से ओम की ध्वनि निकलती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑन येट अनदर वीडियो। अभी वाराणसी एक्सप्लोर करते करते हम सारनाथ आए हैं। इफ यू हैव सीन माय सेकंड एपिसोड ऑफ वाराणसी, सेकंड डे ऑफ वाराणसी ब्लॉग, वहाँ पे यू हैव सीन दैट आई हैव कम टू सारनाथ। तो ये पूरा सारनाथ के ऊपर डिटेल्ड ब्लॉग होने वाला है, बिकॉज सारनाथ इज़ अ वेरी सिग्निफिकेंट प्लेस क्लोज टू वाराणसी। सारनाथ में बेसिकली गौतम बुद्धा ने फर्स्ट प्रीचिंग यहाँ से शुरू की थी, यहाँ पे शुरू की थी फर्स्ट एडवाइस और फर्स्ट प्रीचिंग बुद्धिज़्म का। सारनाथ में कितना टाइम लगता है, क्या क्या है सारनाथ में, वाराणसी से सारनाथ कैसे आ सकते हैं, हाउ टू एक्सप्लोर, आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग। सो स्टे ट्यून्ड एंड एन्जॉय। भगवान बुद्ध के जीवनी में चार सबसे अहम जगह है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। सारनाथ वो जगह है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने प्रथम बुद्धिज्म का उद्देश्य दिए थे उनके 5 शिष्य को। सो दिस इज सर्टेनली द बर्थ प्लेस ऑफ बुद्धिस्ट कम्युनिटी एंड बुद्धिज्म इन द वर्ल्ड। सारनाथ यूपी में है और वाराणसी के बहुत नज़दीक है, इसलिए जनरली वाराणसी के साथ ही सारनाथ का ट्रिप लोग करते हैं। हम भी ऐसे ही किए थे, बस आधे घंटे लगते हैं वाराणसी से सारनाथ ऑटो में, और वाराणसी से सारनाथ ऑटो सिर्फ रिजर्व में जाते हैं, शेयर्ड में नहीं जाते हैं। और रिजर्व में भी कुछ ऑटो सिर्फ सारनाथ तक छोड़ के वापस आ जाते हैं, जिसके लिए 300 से 400 रुपये चार्ज करते हैं। और कुछ ऑटोज होते हैं जो सारनाथ जाके पूरा घुमा के जितना टाइम लगता है वाराणसी छोड़ते हैं, जिसके लिए अप्रोक्स 600-700 लगता है। अभी 1:30 बजा है, अभी सारनाथ पे पहुँचे हम। लगभग आधा घंटा लगता है हमें, 40 मिनट्स ऑलमोस्ट लगा वाराणसी से यहाँ तक। मेन टेम्पल प्रोमाइसिस के बाहर आपको बहुत सारे गाइड्स मिल जाएंगे। अगर आपको सारनाथ के बारे में नहीं पता है या और जानना है तो आप इजीली एक गाइड ले सकते हैं, सिर्फ 50 रुपए लगते हैं। हमारा गाइड यहाँ पे था आनंद भरद्वाज जी। इस मंदिर को श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अनागारिक धर्मपाल जी ने 1931 में बनाया था। ये अनागारिक धर्मपाल जी ने इस मंदिर को बनाया, 1932 में उन्होंने महाबोधि सोसाइटी की स्थापना की, जो इस मंदिर का देखरेख करते हैं। यह है मूलगंधा कुटी विहार मंदिर, वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ सारनाथ। इसको 1931 में श्रीलंका के अनगारिक धर्मपाल जी ने बनाया था। यहाँ पे हम गौतम बुद्ध की एक 8 फीट की स्टैचू देख सकते हैं, जिसके पीछे एक अस्थि कलश रखा हुआ है जिसमें गौतम बुद्ध के दांत है, जिसको साल में एक बार कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोगों को दिखाया जाता है। इस मंदिर की दीवारों पे जापान के कलाकार कुसेत्सु नोसु ने भगवान बुद्ध की पूरी जीवनी यहाँ पेंट करके दिखाया है, और तब जो कलर्स यूज किए गए थे यहाँ पे वो अभी भी वैसे की वैसी ही है। ये फेड भी नहीं हुआ है या रीटचिंग भी नहीं किया गया है इसको। मंदिर के दाएं तरफ हम बोधि वृक्ष का एक हिस्सा देख सकते हैं। बोधि वृक्ष का मेन शाखा पौध तो बोधगया बिहार में है, जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को एनलाइटमेंट मिली थी वहाँ से एक कटिंग लाके यहाँ सारनाथ में लगाया गया है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध और उनके 5 शिष्य का मूर्ति बनाया गया है, ठीक उसी तरह जैसे भगवान बुद्ध यहाँ पे अपना पहला उद्देश्य दिए होंगे। जिसके दोनों तरफ बुद्धिस्ट सैक्रेट रोलर्स हैं, जिसको धर्म चक्र कहते हैं, जैसे हम लोग ओम नमः शिवाय बोलते हैं या माला जपते हैं, उसी तरह बुद्धिस्ट कम्युनिटी में इन रोलर्स को रोल करना जाप करने के जैसा ही है। उसी एरिया में ये 2010 किलो का एक अष्टधातु का घंटा है, जो दिन में सिर्फ 2 बार बजता है, सुबह 4 बजे जब प्रार्थना होके मंदिर खुलता है और शाम को 6:30 बजे जब प्रार्थना होके मंदिर बंद होता है, और इसकी आवाज़ 3 किलोमीटर तक जाती है। सारनाथ में लार्ज स्केल में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, जहां आनंद जी हमें इसके बाद लेके गए।
सारनाथ के गांव में बनारसी के ऊपर कारीगरी सालों से चलती है, तो यहां पे 8 से 9 हज़ार लोगों को यह हैंडलूम मशीन मोदी जी ने डोनेट किया है अपना कारीगरी चालू रखने के लिए। तो एक बार आनंद जी से ही सुन लेते हैं इस मशीन में काम कैसे होता है। ये जो दो सही है ना बोल्ट, ये जैकार्ड इसको कहते हैं, इसी में डिजाइन डालते हैं इधर गरीब बच्चे, और ये पूरा तारा और ये ना देखिए डिजाइन, पूरी डिजाइन बनाई जा रही है। यहाँ के अंदर झूमरों का डिजाइन ये बनाया जा रहा है अंदर का। ये 50 साल तक ब्लैक नहीं होता है मैम, ये हैंडलूम का होता है, ये पॉर्लून का रहता है, तो एक बार धोने के बाद ये ब्लैक हो जाता है मैम। यहाँ पे बनारसी साड़ियाँ, दुपट्टे और सूट्स के लिए भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे दुकान हैं, पर माइंड इट, यहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई है वाराणसी के गदोलिया मार्केट के कंपैरिजन में, लिटरली डबल है यहाँ पे प्राइसेस। सारनाथ एक बहुत बड़ी जगह है और यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने का, जैसे कि टिबेटन टेम्पल, वाट थाई टेम्पल, चाइनीज टेम्पल, जापनीज टेम्पल और भी बहुत कुछ है। तो आपको अगर सब कुछ कवर करना है तो यहाँ पे आप एक दिन स्टे कर सकते हैं, क्योंकि एक ही दिन में सब कुछ देखना पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास तो भाई उतना टाइम नहीं था, तो हम स्टे नहीं किए। जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट जगह है सारनाथ में, हमने सिर्फ वही कवर की एक दिन में। तो चलिए देखते हैं मूलगंत कुटी विहार के बाद क्या है यहाँ का मेन अट्रैक्शन। मूलगंत कुटी विहार वाले रास्ते में थोड़ा सा आगे एक गेट है जो लोग समझते हैं कि धमेक स्तूपा की गेट है, क्योंकि यहाँ से धमेक स्तूपा एकदम स्ट्रेट और बहुत क्लोजली दिखती है, पर दैट्स नॉट द केस। धमेक स्तूपा के बारे में मैं आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ, पर ये वाला कंपाउंड दिगंबर जैन टेम्पल के लिए है, क्योंकि द 11th जैन तीर्थंकरा श्री श्रेयन सानथा जी यहाँ पे सारनाथ के पास एक गांव में जन्म लिए थे, तो दिस टेम्पल इज डेडिकेटेड टू हिम। जैसा पीसफुल मुझे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज और टेम्पल्स लगा, वैसा ही पीसफुल ये जैन टेम्पल भी लगा। वहाँ से थोड़ा आगे है सारनाथ का आर्कियोलॉजिकल साइट, और सारनाथ की असली कहानी, ऑल द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ सारनाथ लाइज राइट हियर। तो चलिए जानते हैं क्या हुआ था यहाँ पे और ये जगह क्यों खास है। यहाँ एंट्री गेट में जो भीड़ दिखी हमें, वो कोई लाइन नहीं था पर्टिकुलरली, ये बस टिकट के लिए ऑनलाइन बुकिंग का भीड़ था, क्योंकि यहाँ पे टिकट्स लेने के लिए कोई काउंटर नहीं है, जस्ट ऑनलाइन पे करके एक क्यूआर कोड है, एक पर्टिकुलर गवर्नमेंट का वेबसाइट में जाके पेमेंट करना पड़ता है, वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है और टाइम भी लगता है, पर वहाँ पे कुछ लोग और सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं जो पेमेंट में हेल्प कर देते हैं। ऐसे हमें भी थोड़े टाइम के बाद मिली 25 रुपये की टिकट आर्कियोलॉजिकल रुइंस, धमेक स्तूपा और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम के लिए। या जितने भी रोइंस देख रहे हैं, मोस्ट ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स वो बिल्ट बाय मौर्यन एम्परर अशोका, इंक्लूडिंग द धमेक स्तूपा एंड द अशोकन पिलर ऑफ कोर्स। 528 BC से 1194 AD तक ये एक बहुत बड़ा बुद्धिस्ट कम्युनिटी हुआ करता था, बट 1194 AD में बख्तियार खिलजी आके ये पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया था, और तब से 1775 तक ये पूरा अंडरग्राउंड ही था। उसके बाद ब्रिटिश एक्सकैवेटर्स ने आके ये साइट डिस्कवर किया। धमेक स्तूपा उसी जगह पर बनी है जहाँ पे एग्जैक्टली गौतम बुद्धा ने अपना पहला उपदेश दिए थे अपने 5 शिष्य को। कलिंगा के युद्ध के बाद एम्परर अशोका ने बौद्ध धर्म अपनाए थे, इसलिए यह गौतम बुद्धा का पहला उपदेश के कुछ 200 साल बाद यह स्तूपा यहाँ पे अशोका ने बनवाई। ऐसे और 11,000 स्तूपा बनवाए थे अशोका ने, जिनमें से कहा जाता है कि यह सबसे बड़ा स्तूपा है। ये काफ़ी बड़ा एरिया है और यह घूमते हुए मुझे बिहार के नालंदा यूनिवर्सिटी की तरह लगा, जो मैं बचपन में गई थी, जिसका इतिहास भी कुछ हद तक सिमिलर है। मोनोलिथिक रेलिंग के पीछे ग्लास से कवर किए गए अंडरग्राउंड लेवल से अशोकन पिलर देखते हैं हम। दिस पिलर वॉज इरेक्टेड बाई एम्परर अशोका इन 250 BC, और ये वही पिलर है जिसके ऊपर फोर हेडेड लायन कैपिटल हुआ करता था।
जो अभी हमारा नेशनल एम्बलम है और वो म्यूजियम में रखा हुआ है, वो हम आगे इस वीडियो में दिखाते हैं आपको। बौद्ध धर्म को बढ़ाने के लिए सम्राट अशोक ने ऐसे ही पिलर भारत में और 14 जगह बनवाए, और एक नेपाल और एक तक्षशिला जो अभी पाकिस्तान में है वहाँ बनवाए। यहाँ हम अवशेष देख सकते हैं प्राचीन और ओरिजिनल मूल गंधा कुटी मंदिर की, जहाँ अभी भी बुद्धिस्ट आके कैंडल लगा के जाते हैं। इसी कंपाउंड में सारनाथ का आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम है, जहाँ सबसे पहले नजर आती है हमारा अशोक स्तंभ, जो 250 BC में बना हुआ सैंडस्टोन का एक स्ट्रक्चर है, जिसका शाइन देख के लगता है कि वो ग्रेनाइट या मार्बल से बना हुआ है। ऐसी कलाकारी की गई थी इसमें। यहाँ पे आप एक डिटेल्ड पिक्चर देख सकते हैं कि कैसे अशोकन पिलर कंपोज्ड था। पिलर के ऊपर था हमारा ये अशोक स्तंभ, और उसके ऊपर था अशोक चक्र, द व्हील ऑफ लॉ, जो हमारे इंडियन फ्लैग का हिस्सा है अभी। और इस अशोक चक्र को भी जमीन के नीचे से फ्रैगमेंट्स में पाया गया, और उसको फिर ये म्यूजियम में रिस्टोर किया गया। यहाँ और भी कई बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म के मूर्तियाँ हैं, जो बहुत ही प्राचीन है। सारे उसी टाइम में जमीन की खुदाई से मिला और सभी को यहाँ रिस्टोर किया गया। उस कंपाउंड के बाहर थोड़ा सा आगे और एक स्तूपा है, जिसको चौखंडी स्तूपा बोलते हैं, और ये हमारा लास्ट स्टॉप था उस दिन का। हमने तो वो जगह देखी जहाँ गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्य को उपदेश दिया, पर चौखंडी स्तूपा उसी जगह पे बनी है जहाँ पे गौतम बुद्ध ने पहली बार अपने 5 शिष्य को मिले। इट वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट हिज यूनियन विथ हिज 5 डिसाइपल्स। 4 बजे अभी जाके सारनाथ कंप्लीट, मतलब देखना कंप्लीट हो चुका है, और एक्सप्लोर करना, ऑटो ढूंढ के अभी वाराणसी वापस जाना है। और जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है, इतिहास में रुचि रखते हैं, सभी को इस जगह पे और इस म्यूजियम पे एक बार जरूर आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये। और ये कह के मैं लेती हूँ अलविदा। मुलाकात होगी बहुत जल्द और एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स।